देश के कई हिस्सों में जारी भीषण गर्मी और लू के बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी है। आईएमडी के मुताबिक देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में 26 से 28 अप्रैल के दौरान चमक और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में जारी गर्मी से भी लोगों को राहत मिलने वाली है। विभाग ने बताया कि 27 और 28 अप्रैल को पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान चमक और गरज के साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में अगले कुछ दिनों तक भीषण लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हरियाणा में 26 और 27 अप्रैल को कई स्थानों पर ओलावृष्टि, आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 27 अप्रैल को तेज आंधी के साथ कई जगहों पर बारिश हो सकती है। आईएमडी ने अपने ताजा अपडेट में बताया कि पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर और ओडिशा के कुछ स्थानों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में 25 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक लू की स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में 26 से लेकर 28 अप्रैल तक तेज हवाओं के साथ बारिश का एक ताजा दौर शुरू होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि इस दौरान कई जगहों पर चमक और गरज के साथ ओले भी पड़ सकती हैं।